किसान नेता गुणी प्रकाश द्वारा सिख समाज पर की गई टिप्पणी से गुस्साए सिखों ने बैठक कर गुणी प्रकाश को गुरुद्वारा साहिब में आकर माफी मांगने का आदेश दिया। सिख समाज का कहना है कि जब तक गुणी प्रकाश गुरुद्वारे में आकर अपने बयान की माफ़ी नहीं मांगता, सिख समाज गुणी प्रकाश का विरोध करता रहेगा। इस मौके पर सैकड़ों सिख मौजूद थे। इस मौके पर एक ज्ञापन भी सिख समाज की तरफ से प्रशासन को सौंपा गया। इसमें 28 जुलाई तक का अल्टीमेटम गुणी प्रकाश को दिया गया है। एक गुणी प्रकाश जो अपने आप को किसान नेता कहता है, उसने इसी जगह पर आकर सिख धर्म के बारे में बहुत आपत्तिजनक शब्द बोले थे, दस्तार के बारे में, दाढ़ी के बारे में, केसों के बारे में। उससे हमारे जो सिख समाज है, हमारे दिल पर चोट लगी उसके जो बयान सुनकर, और हमारी भावनाओं आहत हुई हैं। उसी के तहत आज हमने सिख समाज की एक मीटिंग 6वीं 5वीं में बुलाई थी, जिसमें हमारे नौजवान भी पहुंचे, बुजुर्ग भी पहुंचे, सभी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि बुधवार 28 तारीख तक हम प्रशासन को टाइम देते हैं, इसको पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हम कुरुक्षेत्र के अंदर महापंचायत बुलाएंगे। 28 तारीख को महापंचायत बुलाएंगे, सिख महापंचायत बुलाएंगे, उसमें कड़े फैसले लिए जाएंगे। फिर हम सरकार से या प्रशासन से कुछ नहीं मांगेंगे, यह स्पष्ट बता दें। फिर जो फैसला हमारी कम्युनिटी करेगी, हम उसी के आधार पर चलेंगे। उससे पहले हम प्रशासन को और जो डीसी साहब, एसपी साहब हैं, उनको विनती करने के लिए आए हैं कि उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। देखो, गुणी प्रसाद ने सिख समाज के भावनावान बहुत ज़्यादा आहत पहुँचाई है, जो कि मतलब पग तारनी या केसा की बेदबी करनी, जिस तरह वो साथी प्रवीण ने भी ये अदभवर कहे ने। असी मतलब प्रशासन तो मंग करते हैं कि सिख समाज ने पहला अज तक कल तो शाम तक का समा दिता सी माफ़ी मंगन का, हूँ वो सेवा लंघ चुकिया है। तो सिख प्रशासन अगे अपील करने वास्ते अज मंग पत्र डीसी नूं दिता है कि 28 तरीक तक उसनों रस्ट किया जाए, और मतलब सिख भावनावान जे गलत अंसर जेडे सारी कौम मतलब भड़का रहे जरा ठल पै सके। तो मतलब ये भी गल नाल चल रही है कि ये जरा गुणी प्रसाद है या प्रवीण है, ये सरकारी आदमी है, सरकार को भी अल्टीमेटम है कि जे ऐसे गलत अंसरों उपर उठा के जे कौमां दे चपाट पाएगी तो सिख कौम उस बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे उसनों अपनी जो भी कुरबानी देनी पई वो असी मतलब अपने करांगे। 28 तरीक नूं जिहड़ा असी वड्डा इकट्ठ करके उहदे फैसले लै जाणगे कि अगली रणनीति की करनी है और सरकार नूं जां प्रशासन नूं किस तरह सिद्धियां करना।